कब कहा मैं आम आदमी हूँ, कब कहा मैंने बिजनेस क्लास में नहीं जाता, आपका बस चले ना मेरे को सड़क पे बिठा दो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप आम आदमी हैं मफलर लगा के चलते हो, देखो आपकी स्वेटर भी यहाँ, देखो इसने एक छेद आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, पूरा दिखा रहे हो कि मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आप ही के जैसा हूँ, फिर आपको बिजनेस क्लास में चलने की क्या जरूरत? क्यों ना जाएं सर? अच्छा तो आप कह रहे हो कि बिजनेस क्लास में मैं जाऊंगा, तो आज आप ये तो बोलोगे कि भाई मैं इसके बाद में बिजनेस क्लास में चलूंगा? जब जरूरत होगी जरूर जाएंगे सर, बिजनेस क्लास में पैसे देंगे, आपकी कभी जरूरत नहीं होती। मेरे को टिकट भेजी थी सर, किस स्पॉन्सर्स ने टिकट भेजी थी, मैं जाऊंगा सर अगर जरूरत होगी तो। जरूरत किस लिए थी? ये बात मान, मैं अमेरिका गया था, अमेरिका में जैसे ही मैं वहाँ पे उतरा, वहाँ पे जेट लैग होता है, आप समझते हैं जेट लैग तो है ना, वहाँ पे जैसे ही मैं उतरा मेरी मीटिंग शुरू हो गई, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि आप सोते हुए आ जाइएगा, वहाँ पे क्लास में जेट लैग नहीं होता। नहीं, बिजनेस क्लास में आप सो सकते हैं ना सर, इकोनॉमिक क्लास में सोने के लिए जगह नहीं मिलती। फंडरेजिंग हुई थी उसकी आपसे जांच नहीं करवाई आपने, आप दुनिया में जाकर फिर जो जांच करवाई। अब आ जाओ, ये भी जनता ही है। हाँ बिल्कुल, अब इसकी बात का जवाब दे दो। चलो अन्ना हजारे जी के फंड की सारी ऑडिटिंग है, ऑडिटेड बैलेंस शीट वेबसाइट पे डाली हुई है, आप आएंगे आपको भी दे देंगे वेबसाइट, दे दूंगा मैं वेबसाइट, वेबसाइट पे है सर, वेबसाइट पर है, वेबसाइट पे है, आप जाके देख लेना। आईएसी के साइट पे तो आपके 2 करोड़ का हिसाब किताब भी था, और ये नहीं पता चला कि 2 करोड़ कहाँ से। आईएसी हमारे पार्टी साइट इज नॉट द सॉल्यूशन अरविंद जी, तो इनको इनके घर पहुंचाते हैं। नहीं, इनके घर नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखो आप, तो वेबसाइट से ज्यादा क्या ट्रांसपेरेंसी, अपने सिस्टम ठीक रखो, वेबसाइट समर्थक हो इनका हो या कोई और हो, सबको हम बराबर हमने मौका दिया। अरविंद जी हम आगे बढ़ते हैं, चलो बिजनेस क्लास, अब आज आप मान रहे हो कि अब आप बिजनेस क्लास से ट्रैवल करोगे, अगर मुख्यमंत्री बन जाओगे तो अब तो मुख्यमंत्री को तो बिजनेस नहीं सर, इकोनॉमी में भी जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो जाएंगे। आप जेट लैग हो जाए अगर होगा तो जाएंगे, हो मीटिंग हुआ कि अगर एयरपोर्ट से उतरते ही तो बिजनेस क्लास में जाने में क्या, तो ये कह रहा हूँ कि स्टैंड ले लो ना आप एक, और फिर ये रिकॉर्ड पे। पहले मैंने ये स्टैंड कब लिया था कि नहीं जाऊंगा? नहीं, आपका स्टैंड ये है कि मैं तो आम आदमी हूँ। हाँ। मैं आम आदमी, तो आम आदमी रहना चाहता हूँ, मैं तो आम आदमी का मतलब सड़क पे रहना चाहता हूँ, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ, उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये कोई जुर्म नहीं है, इस पर आपको कोई आपके ऊपर कानूनी मुकदमा नहीं चल सकता, ओनली एन एथिकल इशू। आपने जानने की कोशिश करी कि नहीं जानने की कोशिश करी, और इसीलिए आपको ये बात बुरी लग रही है। उतने बुरी कहां लग रही है आपको, बुरी लग रही है, मैं बिजनेस क्लास में पूछ गया, उतने आप भी चले जाना कल, उतने पैसे में आपका एक वोटर का 1 साल बीत सकता है खाने पीने का। चलो कोई बात नहीं, एक मतलब एक आपके वोटर की 1 साल की सैलरी है उतनी जितने में आप एक बार अमेरिका घूम के आ, ये मैं कह रहा हूँ, और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि शोभा नहीं देता। क्या नहीं शोभा देता? कि मैं बिजनेस क्लास से चलूँ? हाँ, ट्रेन से जाया करूँ मैं, आप कह रहे हो? नहीं, इकोनॉमी से जाओ आप, इकोनॉमी से जाओ। सर मैं फिर से क्लियर कर दूँ, आप चाहे जो मर्जी कर रहे हो, से जाते थे तो हाँ। आप यही बताते थे ना कि देखो मैं आम आदमी हूँ, हाँ। मैं एक छोटी गाड़ी में चलता हूँ, हाँ। ये तो बताते थे आप? हाँ। सर आप जो मर्जी कर लो, क्या करें वो उस बिल्डिंग में जो बैठे हैं वो लोग तय करेंगे। सर एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता था, आपने जब अपनी आम आदमी पार्टी लाई, आपने कहा कि मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ, यूपीए सरकार के खिलाफ हूँ, उनकी कड़ी आलोचना की, आपने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आपके मुंह से किसी कांग्रेसी का नाम नहीं निकला, सलमान खुर्शीद ठीक है, चुनाव के बाद नहीं, चुनाव आपने किसके खिलाफ लड़ा? आपको सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था, आपको राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि मेरी जो लड़ाई है वो यूपीए सरकार से है, मैं इसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप चुनाव लड़ने चले गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये बात कभी समझ में नहीं आई, और उस दिन के बाद से आप आज तक आपके मेमोरी डिस्क से कांग्रेस का नाम बिल्कुल डिलीट हो गया। आपने राहुल गांधी के ऊपर कभी कुछ बोला, सोनिया गांधी के ऊपर कभी कुछ बोला, मनमोहन सिंह के ऊपर कभी कुछ बोला, जबकि 10 साल जिस हम जहां आज हैं भाई, जिसकी सरकार रही होगी 10 साल वही जिम्मेदार है। क्या मैं बोलूं? हमने उनकी सरकार के खिलाफ 2G केस कोर्ट में फाइल किया, हमने उनकी सरकार के खिलाफ 2G केस कोर्ट में फाइल किया। पीआईएल हमारी है, बीजेपी वालों ने नहीं किया था, बीजेपी वाले मिले हुए थे कांग्रेस के साथ। हमने कोयला घोटाले के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया, हमने कोयला घोटाले के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया। जी न्यूज ने रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं लिया कभी। क्या बात कर रहे हो आप? हमारे बाद लिया सर आपने, इसका मतलब हमारे बाद लिया सर आपने। अब आज आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करके आए? नहीं, खैर आज आप पढ़ के नहीं आए,
जी न्यूज ने, जी न्यूज ने बहुत किया है, जी न्यूज ने और सबके लिए किया है, ऐसा नहीं है। 26 जनवरी की जो बात थी कि 26 जनवरी पिछली बार आप कह रहे थे कि मुझे 26 जनवरी पे आप उसके बिल्कुल खिलाफ हो गए थे, धरने पे बैठ गए थे। इस बार आप 26 जनवरी पे जाना चाहते हो, इस बार आपको पास भी चाहिए, आप कह रहे हो कि मुझे पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर इन्वाइट नहीं किया, तो वीआईपी पास क्यों चाहिए आपको? सर मैंने एक्चुअली वो टिकट भी खरीद ली थी, आप लोग जीने नहीं देते। मैंने सोचा था, मैंने टिकट खरीद रखी थी, मैंने सोचा था कि मैं आम आदमी की तरह जाऊंगा। फिर कह देते ड्रामा कर रहा है, टिकट खरीद के आ गया, दिखाना चाहता था, फुटेज चाहता था, वो तो ब्रांड हो चुका है आपका। मैंने करते हुए ड्रामा तो चलो। एक और लोग जानना चाहते हैं आपसे, आपकी खांसी क्यों नहीं ठीक हो रही? सर ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन। और हर बार जब भी आपका कोई इंटरव्यू होता है आप खांसते हो, खांसी असली में है? और अगर असली में है, जैसे एक मजाक चल रहा है दिल्ली में कि टफ वर्सेस कफ, वो किरण बेदी को टफ बता रहे हैं और आपको कफ बता रहे हैं, तो मतलब एक दोस्त के तौर पे भी मेरा एक कंसर्न था कि आप इलाज क्यों नहीं करवाते इसका? सर बहुत इलाज करा लिए, सारे ट्राई कर लिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? आप आज मन बना के आयो कि मेरी ऐसी तैसी करनी है, आप जी न्यूज नाराज ना हुआ करे, हमारे ऐसी कर रखी है हमारी जी न्यूज ने एक साल से। जी न्यूज आपसे सुभाष चंद्र जी को भी बोलना कि इतने नाराज ना रहा करें। बिल्कुल, हम आपसे कोई नाराजगी नहीं है हमारी, बिल्कुल ऐसा आपका पूरा सब लोगों।